दोस्तों हमारे पास गाड़ी आई है ओल्ड मॉडल बुलेट 350। तो इसके अंदर की प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा ये गियर बॉक्स है ये इसमें से लीकेज की प्रॉब्लम है। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि लीकेज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लीकेज कहाँ से है। एक बार मैं आपको पार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से लीकिंग है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नीचे बोल्ट लगा हुआ है ड्रेन बोल्ट, वहाँ पर सब ड्रॉप बने हुए हैं ऑयल के। तो यहाँ से इसकी लीकिंग है और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जहाँ पर पैकिंग है यहाँ से पैकिंग भी आउट हो गया, हो रखा है निकला हुआ, मतलब पैकिंग की भी सेटिंग ठीक से नहीं है। और आप यहाँ पर इधर साइड देखेंगे तो यहाँ से भी पैकिंग हमारा सही से सेट नहीं है। तो हम करते हैं फटाफट इसका गियर बॉक्स का कवर ओपन। सबसे पहले हमें किक खोलनी है, गियर लीवर खोलना है, फिर न्यूट्रल लीवर खोलना है, उसके बाद हमें ये कवर खोलना है, फिर हमें इनर कवर खोलना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फटाफट खोल के दिखाता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाला अकेला ही हूँ, तो मैं आपको पार्ट बाई पार्ट दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये सारा सामान खोल के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह आपकी किक और लीवर और न्यूट्रल लीवर खोलने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर आपने क्या करना है, ये बोल्ट खोलना है, स्क्रू, फिर ये सारे स्क्रू खोलने हैं, उसके बाद हमारी जो प्लेट है बाहर निकल जाएगी। तो फटाफट मैं आपको प्लेट खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने ना प्लेट को ओपन कर दिया और प्लेट ओपन करने के बाद मुझे कुछ ये देखने के लिए मिला कि आप बताइए ये एक मैकेनिक की गलती है और कंपनी का मैन्युफैक्चरर फॉल्ट है कि ये वाला बोल्ट है स्क्रू ये भी लूज़ है, ये वाला स्क्रू है ये भी लूज़ है, और आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू है ये भी लूज़ है और ये वाला स्क्रू है ये भी लूज़ है, और ये तो इतना लूज़ है कि इसका वाशर ना आप देख सकते हैं हिल रहा है बाहर की। तो ये मैन्युफैक्चरर फॉल्ट है और मैकेनिक की गलती है, क्योंकि जब गाड़ी में किसी ने नया गेयरबॉक्स डाला है, गेयरबॉक्स डालने के बाद भी ये सारी प्रॉब्लम है, तो ये गलती कहाँ रह रही है, मैकेनिक की गलती है या मैन्युफैक्चरर फॉल्ट है, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। क्यों कि देखो इतना इतना सारा जब कस्टमर ने 20-22 हज़ार का गेयरबॉक्स नया डाला है गाड़ी वाले ने, तो ये उसकी कोई गलती नहीं है, ये या तो ये मैकेनिक की गलती है जो उसने ये चेक नहीं किया सारा कुछ, या फिर ये मैन्युफैक्चरर फॉल्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं सबसे पहले, और यहाँ जो पैकिंग है वो भी आउटसाइड है इसका निकला हुआ है, तो अब मुझे लास्ट क्या करना है कि ये कवर खोलना ही पड़ेगा। तो मैं पहले ये सारा सामान खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ प्रैक्टिकली, आप सोचेंगे कि बस मैं ऐसे बोल ही रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लूज़ है, ये वाला भी बिल्कुल लूज़ है देखो, और जी ये वाला भी बिल्कुल लूज़ है, ये तो खैर चलो थोड़ा टाइट है लेकिन यहाँ से भी ग्रीस निकला हुआ, और ये बिल्कुल ही लूज़ है, ये वाला है बिल्कुल लूज़। ये अब ये दोनों टाइट हैं बट ये लूज़ हैं देखो, लेकिन पता नहीं कैसे टाइट किए हुए समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ये सारा कुछ ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ओपन करने के बाद कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। मिस प्रॉब्लम तो आपको पता चली गई है, लेकिन ये किसकी गलती है आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताएं। तो मैं फटाफट इस प्लेट को खोलता हूँ। सो फाइनली गाइज, हमने ना इस गाड़ी का जो गियरबॉक्स का कवर है वो पूरा खोल दिया है, और कवर खोलने के बाद आप इसकी हालत देख सकते हैं कुछ ये है। तो हम करने वाले हैं इसका पैकिंग चेंज, और कुछ काम करना है नहीं हमें यहाँ पर, तो सिर्फ इसका पैकिंग लगाना है, और पैकिंग लगाने के बाद इस कवर को मैं कर देता हूँ बंद। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको पैकिंग लगाने के बाद, जब कवर को बंद कर दूंगा उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ। तो ये फाइनली मैंने पैकिंग लगा के और जो कवर को बंद कर दिया, तो अब मैं करता हूँ इसके बोल्ट टाइट, और मैं बोल्ट टाइट आपको दिखाता हूँ कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल पेज कैसे टाइट करूँगा, फिर आपको वो टूल भी दिखाऊँगा जिससे मैंने ये बोल्ट टाइट करनी है प्रॉपर। तो सबसे पहले यहाँ के मैं बाद में साफ करूँगा, पहले ये दो स्क्रू लगा लेता हूँ, फिर आपको यहाँ प्रॉपर बोल्ट लगा के जब मैं टूल से टाइट करूँगा तब आपको दिखाऊँगा, तो फटाफट इसके बोल्ट टाइट कर देता हूँ। हाँ, तो फाइनली मैंने ना इसके नॉर्मल स्क्रू टाइट कर दिए। अब मेरे पास ये है ना वो स्पेशल टूल जिससे मैं टाइट करूँगा, तो इसके टाइट करे हुए बोल्ट आप पेचकस तो क्या इसी से ही खोल पाओगे अगर इसी के टाइट किए हुए स्क्रू हैं। तो मैं फटाफट टाइट करके दिखा रहा हूँ। तो आपने इसका लेफ्ट राइट भी होता है, तो ये टाइट करने की तरफ को करना है, और फिर आपने इस तरह पकड़ के हल्के हल्के चोट मारनी है इसकी। तो ये हर हैमर टाइट होते हैं, जब भी आप हैमर की चोट मारोगे तभी ये टाइट होंगे।
इससे भी ज़्यादा चोट नहीं मारनी, क्योंकि आप जितनी हैमर मारोगे ना ये काम करेगा, फिर क्या होगा कि आपके स्क्रू को भी तोड़ देगा, तो इसलिए आपने ये बहुत हिसाब से ही टाइट करना है इससे, लेकिन इससे फुल टाइट हो जाते हैं स्क्रू। पूरे टाइट हुए कि नहीं? तो ये फाइनली पूरे टाइट हो गए। अब मैं यहाँ का बोल्ट लगा देता हूँ। ये रहा नट हमारा। यहाँ की जो हमारा कॉलर है, थोड़ा पास में दिखाएं, ये यहाँ पर पहले ना कॉलर किसी ने उल्टा लगाया हुआ है, मतलब कंपनी से उल्टा आया हुआ है लगा हुआ, तो अंदर की साइड भी बैरिंग को इसने काट दिया, तो ये पहले इस तरह लग रहा था अंदर की साइड, बट ये रॉन्ग है, हमें इस तरह लगाना है बाहर की साइड करके, तो हम इसको यहाँ करके लगाएंगे। इसके अंदर भी एक टाइमिंग होता है, जहाँ हमारी रॉड होती है उसमें ये लॉक है ना, जो हमारी रॉड होती है उसके अंदर भी ये लॉक कटा होता है, तो ये वहीं पर फिट होगा वाशर जहाँ हमारा लॉक मैच हो जाएगा। तो हम इसको पहले लगा के देखते हैं। ये नीचे की साइड है हमारा, ये जो दोनों पार्ट है ना तभी लगेंगे हमारे, ये यहाँ पर जैसे इस तरह, इससे पहले नहीं लगेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह लगाने के बाद ना फिर हमें इसका नट लगाना होता है, और ये नट है ना ओपोजिट तरफ होते हैं इसमें, तो यहाँ हम जिधर इसको टाइट करेंगे उधर ये खुलता है, और जिधर इसको हम खोलेंगे उधर ये टाइट होता है। तो फटाफट मैं इसको टाइट करता हूँ। ऑपोजिट थ्रेड होते हैं और 20 नंबर का होता है, तो आपने जब भी इसको टाइट करना है ना ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना, नहीं तो आप नुकसान कर लेंगे, टूट जाएगा ये। फिर हमें ना ये नट यहाँ से लॉक कर देना है इस क्लैंप के साथ। हम नट लॉक करने के बाद हमें यहाँ की प्लेट लगानी है, तो मैं सबसे पहले एक बोल्ट पर आपको प्लेट लगा के दिखाता हूँ, और दूसरी बोल्ट पर आपको किक का स्प्रिंग लगाना है यहाँ पर। तो फाइनली मैंने इसकी जो प्लेट है वो लगा दी है, और इसकी किकर स्प्रिंग को ही फिट कर दिया। अब मुझे काम बचता है ये यहाँ एफ सी लीवर लगाने का, तो मैं यहाँ सारे में ग्रीस फिट करके यहाँ की एक एक करके चीज़ लगाता हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देखो मैंने यहाँ का सारा कुछ फिट कर दिया। अब मैं इसके कवर लगा लेता हूँ, और फिर कवर कर लगा के आपको दिखाता हूँ कंप्लीट वर्क हो चुका गाड़ी का। तो फटाफट मैं इसका कवर लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा पूरा गियर बॉक्स कंप्लीट हो गया, और इस गाड़ी का काम खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओल्ड मॉडल के ऊपर किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना है तो बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।